इस रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लें और दबाइए इस बेल आइकन को हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि सर जो है हरियाणा क्लर्क पेपर की जो ऑफिशियल आंसर की आ गई है और उनके रिगार्डिंग हमारे इतने नंबर बन रहे हैं, तो जिसने नंबर बताए हमको साइट पर हमारी वीडियो में और जो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, उन सबको देखते हुए उन सब के बेस पर जो दोस्तों ये वीडियो तैयार किया गया। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो कट ऑफ से रिलेटेड मेरे को लगता नहीं कि आपके मन में कोई भी सवाल होगा। तो ठीक है दोस्तों, पूरा एनालिसिस करके ये वीडियो तैयार किया गया है, आपको एक एक चीज़ सबूत के साथ दिखाई जाएगी। ठीक है, अगर आपने भी पेपर दिया है और आप भी इंटरेस्टेड हैं कट ऑफ जानने के लिए तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और वीडियो को कर दीजिए लाइक ताकि हमारा मोटिवेशनल बना रहे। एक बार बता देता हूँ दोस्तों आपको, देखिए ऑफिशियल आधार पर ये कट ऑफ तैयार किया गया, सेफ स्कोर कितना रहेगा आपको टेंशन लेने की कितनी जरूरत है कितनी नहीं है। 50,000 प्लस स्टूडेंट का सर्वे किया गया है, 100% एक्यूरेट जो सर्वे है दोस्तों। जनरल एससी, बीसी, बीसी ए, बीसी बी, जो भी कैटेगरी है आपकी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस, सभी का इसमें जो हम आपको बताएंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो भी आपने कमेंट किए हुआ आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है, ये सब आपके द्वारा किए गए कमेंट है, ये आप एक बार देख सकते हैं। तो कुछ कमेंट मैं सभी तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन कुछ और दोस्तों हमने अलग अलग साइट से और हमारे जो एच टी स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से जो सर्वे किया था दोस्तों, उन सब में आपको एक बार अच्छे से मैं बता देता हूँ। उसके बाद मैं आपको कट ऑफ बताऊँगा कि आपकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है, एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। हाँ जी, ओके, एक सेकेंड, हाँ कर दीजिए। देखिए सबसे पहले हमने 65 प्लस किया, 60 प्लस, 55 प्लस और 50 प्लस और 45 प्लस, इस तरह से हमने सर्वे किया। तो 10% 10% 30 सबसे ज़्यादा रहे हमारे 55 प्लस और 50 प्लस, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, 26% और 30% का डिफरेंस था। ठीक है, जल्दी जल्दी आपको सभी बातें अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, एक बार आप फिर से देख लीजिए, 10% 65 प्लस, 10% 60 प्लस और जो 55 प्लस हैं वो 30% और 50। और देखिए पहले जो बोल रहे थे कि 70 प्लस है मेरे, 75 प्लस हैं, वो सब अब ऑफिशियल आंसर के आने के बाद गायब हो चुके हैं। ठीक है, तो ऐसा जितने भी बंदे थे 75 प्लस वाले वो हैं नहीं, मैंने बहुत से जो कमेंट भी देखे हैं और ऑफिशियल जो साइट है उस पर भी पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद हमने एक दूसरा सर्वे किया था, उसमें देखिए 65 प्लस वाले केवल और केवल 6% थे, और उसके बाद जिनके 60 और 65 के बीच में नंबर थे वो थे हमारे 8%, और जो 55 से 60 थे वो थे हमारे 19%। उसके बाद 50 से 55 की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट यही थे जो थे 36%। ठीक है, 100 में से 36% ये थे। और उसके बाद हमने एक सर्वे और किया कि देखिए जो 40 से 50 नंबर भी जिनके बन रहे हैं उनका भी सर्वे किया, तो वे थे हमारे 31%। और देखिए आप 36 और 31 देख लीजिए आपके जो 67 हो जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा ओवरेज हमारी ये निकल के आई है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा थे वो थे 19। और दोस्तों इन सब को मिला के जो हमारा सर्वे बना था उन और जो दूसरी साइट से भी हमने बहुत सारे स्क्रीनशॉट लिए और कमेंट देखे हैं बच्चों के, तो उन सब को मिलाकर जो मैं कट ऑफ आपको बता देता हूँ कि क्या आपकी कट ऑफ रहेगी। तो जो हमारी फाइनल कट ऑफ रहेगी दोस्तों वो अभी आपके सामने बता देता हूँ। हाँ जी, देखिए HSSC क्लर्क कट ऑफ 2019 दोस्तों, आप सबने जो नंबर बताए हैं उनके आधार पर जो दोस्तों कट ऑफ तैयार किया गया है, तो एक बार देख लीजिए। आपने पूरा एनालिसिस देख लिया होगा, पूरी जो सर्वे के अनुसार कितने बच्चों के कितने परसेंट नंबर बन रहे हैं, 11 अक्टूबर को आपके आंसर की आ चुकी थी। तो चलिए एक बार देखिए जनरल की बात की जाए तो देखिए मैक्सिमम जो नंबर बन रहे थे ये थे आपके 55 से 60, तो ये आपकी कट ऑफ मैक्सिमम रहेगी 55 से 60। उसके बाद आउट ऑफ 90 और आउट ऑफ 100 में से आपकी कट ऑफ बताएंगे कि किस तरह से क्या रहेगा। BCA की बात की जाए तो आपकी कट ऑफ रहेगी 53 से 58, BCB की बात की जाए तो देखिए इस दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, तो ये रहेगी आपकी 52 से 57, एक या दो नंबर का इनमें डिफरेंस हो सकता है। उसके बाद अगर SC कैटेगरी की बात की जाए तो देखिए बहुत ही टफ पेपर था आपका, बहुत ही मुश्किल पेपर आया हुआ था, आउट ऑफ सिलेबस था। ठीक है, इन सब को देखते हुए जो कट ऑफ है दोस्तों बहुत ही कम जाने वाली है आपकी, ये रहेगी आपकी 48 से 53। उसके बाद EWS की बात की जाती है थी आपकी 54 से 59। ठीक है, EWS की 54 से 59, तो ये इसलिए है कि देखिए जो जनरल वाले तो जितने भी थे वो सब OBC में आ गए हैं। ठीक है,
ओबीसी में नहीं, सॉरी ईडब्ल्यूएस में आ गए हैं। तो अगर ये यहाँ पे आ गए तो देखिए इनमें भी कंपटीशन इतना ही रहेगा, क्योंकि जितनी परसेंटेज इनको दी गई थी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो ईडब्ल्यूएस में है, जितना कि हमारे पास कमेंट आए हैं सर्वे किए गए उन सब के आधार पर, तो ईडब्ल्यूएस के और जनरल में एक या दो नंबर का ही डिफरेंस रहने वाला है दोस्तों। तो ये रहेगी आपकी कट ऑफ, ये कितने में से रहेगी आपकी 90 में से। उसके बाद आप देखिए अगर जिन जॉब वगैरह वाले नंबर जो सोशल इकोनॉमिक नंबर है उसके बाद 100 में से कट ऑफ होगी, तो वो इनमें आप 5-5 नंबर जोड़ दीजिए, वो आपकी बिल्कुल 100% एक्यूरेट कट ऑफ रहने वाली है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यही बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों पूरी सर्वे के साथ आपको एक कट ऑफ बताई गई है, तो दोस्तों अपने सभी दोस्तों में ये वीडियो जरूर शेयर करना, सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना, और हाँ एक बार फिर से कॉमेंट में अपने नंबर जरूर बताना कि कितने नंबर बन रहे हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।